उनसे उन्होंने पुराना भी मंगवाया था और जो रिन्यूअल करवाया था पंडाने के बाद वो भी मंगवाया था। इसका रोजगार पंजीयन थोड़ा सा और कवर कर लेंगे, 20 मार दूंगा ऐसा मन में होता है, लेकिन वो गलत है। नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं कपिल यादव, आप देख रहे हैं 4 सेकंड फिजिकल। काफी सारे कैंडिडेट जो कि आज फिजिकल देकर आए पीटीसी ग्राउंड से, आप ये लाइव चर्चा देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 सेकंड में इस ऑफिशियल वीडियो पर। क्या शुभ नाम है आपका? आशीष गावर। आशीष गावर, क्या कैटेगरी है आपकी? एचपी। आज कितना स्कोर रहा? मेरा 67 रहा। एग्जाम में कितने नंबर है? 72। दोनों का मिला के एड करके कितना हो रहा है? 139। एसटी कैटेगरी शेड्यूल, हाँ एसटी वाला है। ओके, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कमल डावर है। कमल डावर, कैटेगरी क्या है? एसटी कैटेगरी। कितना हुआ स्कोर? सर मेरा 75 स्कोर बना है अभी, और फिजिकल के अंदर जी सर 75, तो अच्छा कर लिया यार, बधाई हो आपको बहुत बहुत। एग्जाम में कितना है? एग्जाम में सर 66 नंबर। दोनों का टोटल करके कितना हुआ है? टोटल सर 141। एसटी कैटेगरी, ओके। आपका तो अभी हुआ नहीं है ना? हो गया आपका अभी? क्या बात है, क्या शुभ नाम है आपका? संजय यादव। संजय यादव, कितना रहा आपका? 74। और एग्जाम में कितने नंबर थे? 66। ओबीसी कैटेगरी, टोटल कितना हो रहा? 140 सर। 140, 140। अरे एक और जो कैंडिडेट हैं, ये दिल्ली पुलिस के अंदर ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, अभी ड्यूटी पर हैं, लेकिन एमपी के अंदर पुलिस बनना चाहते हैं, एमपी के अंदर आना चाहते हैं। कितना रहा स्कोर? सर मेरा 76। 76, और एग्जाम में कितने नंबर थे? 86। तो कितना हो रहा है दोनों का मिला के? 162। ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी 162, मतलब पुलिस वाले बन जाओगे यहाँ पर, तो दिल्ली पुलिस छोड़ दोगे? बिल्कुल, क्या बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं, एक एमपी पुलिस की सीट जा रही है भैया तुम्हारे हाथों से, देख लो। साइड में मेरे एक और कैंडिडेट बैठे हैं, कितना रहा स्कोर? सर मैं जीडीओ रेडियो वाला हूँ। रेडियो वाले तो पहले बंदे मिले हमको, चलो बताओ रेडियो के बारे में। तो रेडियो में सिर्फ 800 मीटर क्वालिफाइंग है, जिसमें से मिनिमम 8 नंबर लाना है। तो मैं 29 नंबर लेकर आया। 29 नंबर लेकर आए, और एग्जाम में उधर? उधर मेरे 48 है और 74 जीडी के अंदर। मतलब ओवरऑल कितना हो रहा है सारा टोटल करके? 120 या 22 मेरा हो तो रहा है। तो और लोगों का देखा है आपने रेडियो में कितना जा रहा है? मैं शायद तक अभी पहला ही यहाँ पर आया रेडियो, हाँ पहले ही वाले बंदे हो जो, बाकी ग्राउंड का पता नहीं, बाकी ग्राउंड का पता नहीं है। तो एक रेडियो वाले कैंडिडेट भी हमारे साथ में। डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? मेरे को कोई दिक्कत नहीं। चलो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे, लेकिन और एक और कैंडिडेट से जान लेते हैं, कितना है फिजिकल में? 70। और एग्जाम में कितना है? 75। ओबीसी कैटेगरी, टोटल कितना हुआ है? 145। और आपकी पहली फाइल थी, दूसरी फाइल कौन सी फाइल में? आपकी फाइल में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 76। आप दोनों की एक ही फाइल थी? 76। एक दो तीन चार की एक ही फाइल थी, और सबसे हाईएस्ट इनका है। आपने पर्सनल तैयारी करी, इंडिविजुअल तैयारी करी, या फिर कैसे तैयारी करी है? ऐसे पहले तो हम पर्सनली करते थे, पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया फिर तैयारी करना स्टार्ट कर दी, एकेडमी ज्वाइन करें। ठीक है, आपने कहाँ से करी है? ये तो फोर्स एकेडमी से करी है, दिल्ली पुलिस भी आप फोर्स एकेडमी से बन गए, क्या बात है। आप दोनों ने? ये दोनों फोर्स एकेडमी वाले ही है। चलिए मेन चीजों पर चर्चा करते हैं, जो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पर काफी सारे लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन सेम डे जीवित, जिस दिन आपने एग्जाम्स दिया था उस दिन आपका एग्जाम फॉर्म डाला था, उस दिन जीवित था या नहीं था उस दिन का स्टेटस जानते हैं। आपका क्या था रोजगार पंजीयन? सर हमारा तो क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर जिनका एक्सपायर हो चुका था उनसे उन्होंने पुराना भी मंगवाया था और जो रिन्यूअल करवाया था फॉर्म डालने के बाद वो भी मंगवाया था। देखो दो चीज होती है, रिन्यूअल और नया बनवा, अपडेट करवाना और वो नया बनवा लेना। रिन्यूअल जो डेट होती है उस रिन्यूअल डेट पे अगर जिसने करवा लिया उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसने नया ही बनवाया, जिसमें जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होगा, उनको कोई प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? हमारे ग्रुप में नहीं था, पर जैसे हमने और बाकी से पूछा था तो सब यही बोले थे कि अगर रजिस्ट्रेशन, ये जो रोजगार पंजीयन है एग्जाम फॉर्म के बाद में बनवाया है तो उनको बाहर कर रहे हैं। वो जो रोजगार पंजीयन से रिलेटेड तो काफी सारी चर्चा भी हो चुकी है। अदर जो डॉक्यूमेंट है, खासकर मूल निवासी, ऐसे 5-6 डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें कई में सरनेम नहीं होता है, कुछ डॉक्यूमेंट में सरनेम होता है, कुछ में सरनेम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में बाहर किया जा रहा है? नहीं सर, अभी तक हमारा अभी तक कोई केस नहीं आया है, ऐसा कोई केस नहीं आया है। अगर ऐसा कोई केस, सर रोजगार पंजीयन पे ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और उसी में आयोग की कोशिश किया जा रहा है, बाकी किसी में भी डॉक्यूमेंट में आज तक डॉक्यूमेंट में। तो तुम्हारे जो फाइल थी उसमें से किसी को बाहर किया है रोजगार पंजीयन में? नहीं सर हमारे। अच्छा, आज अदर स्टेट के कोई बच्चे थे? अदर स्टेट में से कोई भी था? अदर स्टेट वाला कोई भी नहीं था आपकी फाइल में? ओके, तो क्या मैंने पूछा था उनसे, जैसे मेरे रेडियो का अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ रेडियो वाले के साथ में हुआ, तो मैंने पूछा कि रोजगार पंजीयन का क्या सीन है, तो उन्होंने कहा कि जैसे जुलाई महीने में किसका एक्सपायर हो रहा है तो उसको 2 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है।
तीन महीने का मिल जाता है, तीन महीने का क्योंकि कोई अपनी एकेडमी भी में भी है तो दो महीने के बीच वाला है और उसने रिन्यू करवा लिया तो वो सेफ है। तीन महीने का प्रावधान है, तीन महीने का अगर आपका हो गया है रिन्यूअल करवाने की डेट निकल गई है, तीन महीने के मिलते हैं आपको, तीन महीने में अगर आपने रिन्यूअल करवा लिया तो आपका एक्सेप्टेबल रहेगा, अदरवाइज आपको नया बनवाना पड़ेगा और नया उसी कंडीशन में एक्सेप्ट करेंगे वो जब आपने फॉर्म डाला है उस टाइम पर आपका रोजगार पंजीयन जीवित हो, आप सभी लोगों का जीवित था उस टाइम पर। क्या लगता है ओबीसी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं मेरे साथ में? एक, दो और तीन, तीनों को लगाकर आपके कितना हो रहा है? और 140, आपका 162 और आपका 145, तो क्या लगता है कितना रहेगा कट ऑफ, कितने पे वृद्धि मिल जाएगी, कितने नंबर पे मिल जाना चाहिए? 150 से 155। अच्छा, यहाँ पर एक डिफिकल्टीज और फेस कर रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट लॉन्ग जंप के अंदर, लॉन्ग जंप का जो टेक ऑफ है वो सरफेस एकदम फ्लैट है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है? सर बहुत प्रॉब्लम है, जो आप ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे हो जो आपकी लॉन्ग जंप एक्चुअल में आ रही है वो आप यहाँ आएगी, वो आपकी कितनी आती थी ग्राउंड? सर मैं 18 प्लस मारता था वहाँ, 18 प्लस, और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर सर 17 भी नहीं गई है मेरी, 17 भी नहीं गई है। उसका तीन रीजन है, तो पहला रीजन तो ये है कि जब हम लोग कुछ ग्राउंड का जो सरफेस होता है वो नीचे होता है बराबर, वो बराबर गड्ढा होता है, सीधा सा बात है कि वो गड्ढा होता है, गड्ढे में थोड़ा सा ग्रे है कि जब हम लोग कूदते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऑफिसर रहता तो मन में थोड़ा सा डर जैसा लगा रहता है कि फाउल ना हो, एग्जैक्टली, तो कभी जो भी जो लगा हुआ फाउल का वहाँ से पीछे से कूदना पड़ता है, कभी क्या हो जाता है तो वो थोड़ा सा डर बना रहता है, उसकी वजह से भी कम जाती है। हाँ सर, वो डर बहुत, क्योंकि वो बार बार जब फाउल का बोलते हैं तो थोड़ा सा मन में ऐसा लगता है कि डर, और खासकर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर फाउल हो जाता है तो फिर तो और ज्यादा डर लगता है। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट फाउल तो नहीं होता, फिर सेकंड अटेम्प्ट में क्या करता है? मैंने ज्यादा रनअप नहीं लिया, उसको सेव किया, फिर थर्ड अच्छे से कूदा, थर्ड अच्छे से कूदा, तो सेकंड और थर्ड फाउल नहीं हुआ फिर? नहीं सर। तो यहाँ पर फाउल का भी बता रहे कि रेड पट्टी लगी हुई है टेकअप बोर्ड पर और टेकअप बोर्ड बहुत छोटा है, तो उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो आगे आके लॉन्ग जंप करना चाहते हैं, कल 20 तारीख को फिजिकल देना चाहते हैं? सर जो आप जो पटिया होता है, अपन जो ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, वो पटिया बड़ा होता है और उस पर अपन पूरा पेयर लग के कूदते हैं, यहाँ पे सर जो रेड लाइन है ना उसकी जो मोटाई है वो ज्यादा है थोड़ी सी। 4 फीट का, कितना फीट का पटिया है यहाँ पर सर? वो सर 10 इंच का पटिया, 8 इंच का कूदना है आपको, और जो 2 इंच का लगा हुआ उस पर रेड पट्टी लगी है, 1.5 से 2 इंच का समथिंग, ठीक है। और वो जो है जो पटिया जो हम लोग कूदते हैं तो थोड़ा सा सरफेस थोड़ा सा खुरदुरा रहता है तो ग्रिप बनती है, और यहाँ थोड़ा आपके तीनों इवेंट में से रनिंग लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट तीनों में से डिफिकल्टीज फेस आपने एक तो लॉन्ग जंप में करी है, गोले में तो इतना कोई नहीं, 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 जितना आपका ग्राउंड पर जाता था उतना ही जा रहा है यहाँ पर, मेरा कम हुआ था, मेरा 28 में भी कम हुआ है। तो आपको हैंड टू हैंड बुला लिया था रनिंग के जस्ट बाद? थोड़ा समय सर लगता है लेकिन जब रनिंग करके जाते हैं तो थोड़ा सा क्या हुआ था बॉडी वीकनेस रहती है, थोड़ा सा पेन भी होता है बॉडी में और एक वो रहता है थोड़ा सा समय भी होता है, बॉडी थोड़ा सा एनर्जेटिक भी नहीं हो पाती है, तो उस हिसाब से तो ज्यादा है 2-4 इंच कम होता है। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर किसी का खुद के ग्राउंड पर 85 नंबर का फिजिकल बन रहा है तो वो यहाँ पर कितना स्कोर कर लेगा? सर कम से कम 5 नंबर कम, 5 नंबर देखो, 5 नंबर तो उस चीज से भी कम हो जाता है कि एक दिन पहले से दिमाग के अंदर चलना स्टार्ट हो जाता है, जब आप ग्राउंड पर बोलते हैं कोच आपसे बोलते हैं कि आज मैं ट्रायल लूंगा तो उस टाइम पर भी एक दुख दुखी स्टार्ट हो जाती है अंदर से, यार आज तो टाइमिंग होने वाला है, तो वो डर एक दिन पहले का डर रहता है, 5 मिनट पहले का डर और एक दिन पहले से डर, तो कहीं ना कहीं मानसिकता भी कमजोर होती है, टेम्परामेंट हाई नहीं होता है उसकी वजह से कम हो जाता है, फिर अनएक्सपेक्टेड टाइम पर भी आपको लिया जाता है आपका फिजिकल, इसलिए भी कम हो जाता है। तो किसी का 85 अगर ग्राउंड पर बन रहा है तो लगभग वो 80 से 88 समथिंग बना लेगा, यही जाएगा, उसको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रनिंग में सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं जब मेरा जो हाइस्ट जो मेरे ग्राउंड पर टाइमिंग आता था वो 2:24, 23:25 जो मारा है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ जाएंगे हम लोग तो टाइमिंग थोड़ा सा और कवर कर लेंगे, 20 मार दूंगा ऐसा मन में होता है, लेकिन वो गलत फेम है सर, बहुत बड़ी गलत फेम है, क्योंकि मेरा 100% मतलब पूरा देने के बावजूद भी मेरा वही टाइमिंग आया है। यहाँ पर आपका क्या टाइमिंग आया? 2:23 ग्राउंड पर, ग्राउंड पर 2:17 आ जाता था, 3-3 4-4 नंबर कम हो रहे हैं। चलो तो ये था भाई आज का सटीक एनालिसिस, आप देखिए कि एससी एसटी कैटेगरी के 2 कैंडिडेट है, ओबीसी कैटेगरी के 3 कैंडिडेट है, बाकी एक रेडियो वाले हैं, आप सभी इनसे जानकारी जो ले रहे हैं ये प्योर जानकारी है, ये अभी ट्रायल लेकर आए हैं, ऐसे ही ट्रायल आपको देना है, बस बने रहिए आप फोर्स अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के साथ, आपको क्या प्रॉब्लम्स है कमेंट्स करके बताएं, मैं उस प्रॉब्लम्स पर बच्चों से चर्चा करूंगा और आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।